गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम नीरज कुमार सिंह है और मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से हूँ। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखे, हमारे जो कलीग है मिस्टर महितोष जावली जी ने आपको कुछ प्रोडक्ट्स के डिटेल्स बताए, कंपनी के बैकग्राउंड्स बताए, क्या कंपनी मेडिको कंपनी कहाँ की है, किस लेवल की कंपनी है, पूरे विश्व में किस तरह बिजनेस कर पा रही है, इस चीज़ों को आपने देखा। तो नेक्स्ट जो सेशन हमारा है वो है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन का है। लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हम जो पानी पीते हैं या आप जो पानी पीते हैं, क्या वो पानी सही है? पानी के बारे में अगर बात करें तो पानी एक ऐसी चीज है जो कुदरत की दी हुई एक धरोहर है। हमें नहीं, हमारे पहले वाले को ही मिला, मतलब हमारे पूर्वज को ही मिला। आज जो भी पानी हम पी रहे हैं, पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही है। कौन से पानी का? सही पानी ना होने की वजह से। तो सही पानी होता क्या है या सही पानी किसे कहते हैं? बेसिकली होता क्या है, जब पीने की बात आती है या पानी की बात आती है, तो अगर इस ग्लास में समझे कि पानी पीता हूँ मैं, तो इसमें कोई गंदगी नहीं है, साफ है पानी, दिखने में साफ लग रहा है और पीने में टेस्ट अच्छा, तो पी लेते हैं। लेकिन क्या वो सही, वो पानी पीने योग्य है? ये जानने के लिए जो है आज का ये वीडियो जो है आप सभी के लिए है। तो बेसिकली पानी में होना क्या चाहिए, पहली चीज ये है कि पानी जो है आपका वो प्योर पानी होना चाहिए, प्योरीफाइड वाटर आपका होना चाहिए, जिसमें कोई बैक्टीरिया ना हो, जम्स ना हो। तो ये प्योरीफाइड वाटर मिलता कहाँ से? ये बात से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अपने जो पानी पीते हैं वो पानी का सोर्स क्या है। पहला कॉरपोरेशन से, नगर निगम से पानी आता है। पहले ये शहरों में उपलब्ध हुआ करता था, अब तो गाँव में भी उपलब्ध है। तो सप्लाई वाटर जिसे हम कहते हैं सप्लाई वाटर है। कई लोग ऐसे सप्लाई वाटर को डायरेक्ट पीते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि इसमें बैक्टीरिया जम्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पाइप पुरानी हो सकती है, कहीं पाइप जो है ब्रेकेज होगा, टूटा फूटा होगा, उसमें गंदगी जाता है, तो उसमें बैक्टीरिया वायरस हो सकता है। उस कंडीशन में आप जो है, हम लोग आरओ का मशीन लगाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो आरओ का मशीन लगाते हैं, बीस लीटर का जार इस्तेमाल करते हैं ताकि उसको पानी प्योर मिल पाए। लेकिन होता क्या है कि आरओ का या 20 लीटर के जो जार मार्केट में उपलब्ध है, उसके अंदर जो है मिनरल्स कम हो जाते हैं, क्योंकि आरओ प्रोसेस से जो है मिनरल जो है कम हो जाते हैं। मिनरल मतलब टीडीएस, टोटल डिसॉल्व सॉलिड जो है, इससे मिनरल कहते हैं, वो कम होता है। और कम मिनरल पानी जब पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो मिनरल्स होता है उसको वो चोरी करता है, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। तो सबसे पहले पानी आपका प्योर होना चाहिए, दूसरा चाहिए कि पानी की टीडीएस अच्छी होनी चाहिए। चलिए ये दो चीज हम किस तरह से मैनेज कर भी लेते हैं, उसके बावजूद भी जो पानी है वो पानी फिर भी पीने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पानी जो है मात्र आपके बॉडी में 15% ही हाइड्रेट कर पाता है, मतलब 15% ही बॉडी में जा पाता है। अगर हमने 1 लीटर पानी पिया तो उसका 15% मतलब 150 ml ही हमारे बॉडी के लिए, और बाद किडनी से होते हुए निकल जाता है, जिससे किडनी पे प्रेशर भी पड़ता है, तो किडनी से होते हुए यूरिन से वो निकल जाता है। तो हमें वो पानी पीना है जिसके अंदर जो है पानी के मॉलिक्यूल छोटे हो, ताकि पूरे बॉडी में हाइड्रेट कर पाए। मॉलिक्यूल छोटे होने के लिए पानी का माइक्रो क्लस्टरिंग होना बहुत जरूरी है। ये माइक्रो क्लस्टरिंग होता कैसे है? आयोनाइजर हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो है अलग अलग प्लेट्स लगे हुए हैं। उस प्लेट जो टाइटेनियम के ऊपर प्लेटिनम कोटेड प्लेट है, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, जिसकी वजह से पानी के जो है मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं। जो नॉर्मल पानी आप पी रहे हैं या प्यूरिफाइड वाटर भी पी रहे हैं, वो पानी आपके बॉडी में मात्र 15% लगता है, और इसके द्वारा जो पानी बनती है वो आपके बॉडी में जो है तकरीबन 85-95% तक आपके बॉडी में हाइड्रेट कर पाता है, मतलब सारे टिश्यू और सेल तक पहुंच पाता है। अभी हम डेमो में देखेंगे, दोनों पानी आपके सामने आएगा, पर नेगेटिव ऐसे हम देख नहीं पाएंगे कि उसके मॉलिक्यूल छोटे या बड़े हैं, जो कि डेमो के माध्यम से हम लोग देख पाएंगे। तो पहली चीज है कि पानी आपका माइक्रो क्लस्टरिंग आएगा तो पूरे बॉडी में हाइड्रेट कर पाएगा। दूसरी चीज है कि पानी के अंदर अल्कलाइन होनी चाहिए। ये मशीन जो है पानी में अल्कलाइन डालता है। ये अल्कलाइन जो है हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारा बॉडी एसिडिक हो चुका है, हमारे खान पान, हमारा रहन सहन, लाइफ स्टाइल की वजह से। रात को देर रात तक जगना, सुबह देर तक सोना, मेडिसिन का इस्तेमाल करना, रेडिएशन है, पॉल्यूशन से बहुत सारा है, किसी वजह से हम टेंशन लेते हैं, उसकी वजह से भी एसिडिक बॉडी होता है। उस एसिडिक बॉडी को ठीक करने के लिए आपको अल्कलाइन चाहिए। अल्कलाइन हमारे जो है फ्रूट से मिलता है, अल्कलाइन हमारे जो है वेजिटेबल से मिलता है, लेकिन जितनी क्वांटिटी में हमें अल्कलाइन की जरूरत है वो हम उससे नहीं ले पाते हैं। ये पानी आपको पर्याप्त मात्रा में अल्कलाइन देता है, जिससे आपका एसिडिक बॉडी जो है वो ठीक हो पाता है, अल्कलाइन तक जाता है, बॉडी से जो है बीमारियां जो हो वो बाहर निकल पाती है। तीसरा पावरफुल चीज में होता है वो होता है हाइड्रोजन। हम लोग अक्सर देखा करते हैं या सुना करते हैं कि
विराट कोहली के जो है पानी बड़े महंगे हैं, तो करीना कपूर बड़ी महंगे पानी पीते हैं, तो शिल्पा शेट्टी जो है पानी उनके जो है कुछ डिफरेंट पानी है। तो सही, सब पानी में है क्या? ये सारा वही पानी है, उसमें हाइड्रोजन का मात्रा ज्यादा होता है, और हाइड्रोजन का मात्रा अगर ज्यादा है तो आपके बॉडी के लिए जो है वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट, अगर हम एक बार एंटी हटा देते हैं तो ऑक्सीडेशन को समझे, ऑक्सीडेंट को समझे, ऑक्सीडेंट से ही ऑक्सीडेशन शब्द आया। ये ऑक्सीडेशन मतलब होता है जंग लगना, बॉडी में जिस तरह से जंग लग रहा है उस जंग को ठीक करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट चीज चाहिए, जो कि पानी में मिलता है, और ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। अभी तक जो भी हमने देखा कि विटामिन सी भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, खासकर कोरोना के समय हमने इसको बहुत करीब से जान पाया है। तो विटामिन सी जो मॉलिक्यूल्स है जो आपके जो है एंटीऑक्सीडेंट है, वो एंटीऑक्सीडेंट जो है बहुत ही छोटा एंटीऑक्सीडेंट होता है, बट हाइड्रोजन जो है उससे लगभग जो है अप्रोक्स जो है 88 टाइम स्मॉलर होने की वजह से ये उससे ज्यादा काम कर पाता है। क्यों? क्योंकि छोटा होने की वजह से ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर इससे क्रॉस करके ऊपर जाता है। ये हमारा पावर हाउस, ब्रेन पावर हाउस, जिससे पूरा बॉडी हमारा जो है संचालित होता है, वहां जो बैड फ्री रेडिकल्स है उसे भी ये निकाल पाता है। तो मैं डेमो के माध्यम से कुछ चीजों को दिखाना चाहूंगा, हमारे मशीन से मैं पानी निकालूंगा। प्लीज मैं चाहूंगा कि इस पानी को दिखाया जाए। आप देख पा रहे हैं ये मशीन को, इस मशीन से जो है हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पानी निकाल पा रहे हैं। इसी पानी से हम डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे। आपने देखा, आपके सामने हमने ये मशीन से पानी निकाली। हमारा ये प्रोडक्ट जो है 9 प्लेट का है, मेडिकुआ प्रोडक्ट, जिसका पानी हमने आपके सामने निकाला। अब इसका मैं डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा। सर, ये नॉर्मल वाटर है, सेम वाटर जो जार में रखी हुई थी, और ये पानी उसी जार का जो है मशीन से निकाली हुई पानी है। हम देखेंगे कि हम जो पानी पी पाते हैं वो पानी किस तरह का पानी है। ये मीटर है, आप देख पा रहे हैं, ओआरपी मीटर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ये बताता है। अगर ये निगेटिव की तरह है, जितना निगेटिव होगा वो हमारे बॉडी के लिए उतना ही अच्छा होगा। हम जो जो पानी पी पा रहे हैं उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल क्या है आप वो देख पाएंगे। आप देख पा रहे हैं ये हमारे पॉजिटिव की तरफ है। जितना पॉजिटिव उतना ही हमारे शरीर को बीमार और बीमार, बहुत बीमार करता है ये। ठीक उसी जगह हमने मशीन की पानी निकाली, और मशीन की पानी को जो है हम इसकी और भी चेक करेंगे। सर, आप देख पा रहे हैं इसका नेगेटिव मतलब जा रहा है। नेगेटिव मतलब अगर हम विटामिन सी को लेते हैं उसमें -50 ओआरपी होता है, नेगेटिव में -50 ओआरपी होता है। अगर हम ग्रीन टी का इस्तेमाल करें जिसकी कीमत 15 से 20 हजार रुपया पर केजी है, उसमें तकरीबन जो है माइनस जो है 150 से लेकर 200 में 200 के आसपास हो पाता है। उसी जगह हम फिश कॉड लिवर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो समुद्री मछली होती है, बड़ी बड़ी मछलियां होती है 25-25 केजी की होती है, उसके अंदर जो है -ORP होता है तकरीबन 300, जो कि काफी महंगा होता है, सबके रिस्क के बाहर नहीं होती है, बट इसकी -ORP आप देख पा रहे होंगे नेगेटिव कितना जा पा रहा है। सर कितना गया? 642। ये और बढ़ता जाएगा, ये माइनस तकरीबन 850 हो जाएगा। फिर अगर इसी चीज को हम अगर इस पानी में डालते हैं तो देखिए पॉजिटिव की तरफ फिर आ जाता है, ये अगेन ये पॉजिटिव की तरफ आ गया। ये हमारे पास एक हाइड्रोजन टेस्टर भी है, आप इसे देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन टेस्टर है ये हाइड्रोजन टेस्टर है, आप देख पा रहे हैं।
इस हाइड्रोजन टेस्टर को हम इस्तेमाल करते हैं, जिस पानी के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा है उसके अंदर ये कलर जो केमिकल है, इसके अंदर मैंने दो ड्रॉप डाला सर, कलर देखिए ब्लू हो चुका है, मतलब इस पानी के अंदर हाइड्रोजन नहीं है। और सर जिस पानी के अंदर हाइड्रोजन है आप देख पाएंगे, मैंने दो ड्रॉप डाला सर, सर गायब हो गया। इसके अंदर हाइड्रोजन है इसलिए केमिकल दिख नहीं पा रहा है। और जैसे हाइड्रोजन गैस है, जैसे ये हाइड्रोजन निकल जाता है अगेन ऐसा ही ये ब्लू हो जाएगा। मैं इसे एक बार के लिए शाइन करता हूं ताकि देख पाएंगे आप। तो आप -850 ORP का पानी जो है आप पिएंगे, आपके बॉडी के लिए जो है ये काफी लाभदायक है।